नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। 7 से 8 डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स रहेंगे, इसमें जो भी पेशेंट आए या वो नहीं जा सकता है, उनके कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो जो इमीडिएट दवाइयां हम उनको देंगे उससे उन्हें रिलीफ होगी। मैं डॉक्टर मनीष कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ फोर्ड हॉस्पिटल। हमने पेश वार्ता इस सिलसिले में आयोजित किया कि हम लोग एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं 10 तारीख को एम एंग्लो बंगाली टोला भेलपुर पानी टंकी के पास। कितने लोगों की आने की संभावना है? इसमें लगभग हम लोग 1000 लोगों के आने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। चिल्ली में यहाँ पे हो क्या रहा है कि अभी डेंगू का सीजन, डेंगू के पेशेंट बहुत ज़्यादा हम लोगों के हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं और दूसरे हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं, और अभी फ़िलहाल प्लेटलेट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और लोगों को ओरिजिनल प्लेटलेट नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा प्लेटलेट की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और लोग प्लेटलेट के नाम पर प्लाज्मा दे रहे हैं, जो कि प्लेटलेट की तरह ही दिखता है, उससे पेशेंट लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों का पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का कलेक्शन किया जाए और प्लेटलेट बनाया जाए, और जो पेशेंट आते हैं जिनके पास डोनर्स की कमी है उन्हें ओरिजिनल प्लेटलेट दिया जाए, और उनका जिससे कि उनको बेनिफिट हो और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, चेयरमैन आर्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन एंड सहयोगी हूँ फोर्ड हॉस्पिटल बालाजी नगर लंका वाराणसी का। हम लोग ये स्वास्थ्य शिविर आयोजन कर रहे हैं ताकि जनमानस को इससे फ़ायदा हो, सभी को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हो। इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी हम लोगों ने आयोजित किया है। जो इच्छुक व्यक्ति होंगे, जिन्हें समाज के प्रति अपना दायित्व निर्वाह करने का सोच रखते होंगे, वो इस कैंप में आएँ, अपना ब्लड डोनेट करें। और अभी जितने भी डिजीज चल रहे हैं, जैसे डेंगू हो गया या जहां भी ब्लड की प्लेटलेट्स की ज़रूरत हो, उसमें अपना सहयोग करें, समाज के प्रति अपना दायित्व निभाएं, ताकि लोगों को जान बचाने में हमें आसानी हो। सभी स्वास्थ्य शिविर है, इसमें किस किस तरह के डॉक्टर मौजूद रहेंगे? इसमें जनरल सर्जरी से संबंधित डॉक्टर मनीष कुमार सिंह हैं, जो कि फोर्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर और ऑनर भी हैं। डॉक्टर श्वेता साई हैं, जो दंत रोग चिकित्सक हैं। अन्य चिकित्सक भी हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट इसमें अवेलेबल हैं, जनरल फिजिशियन हैं, पीडियाट्रिशियन हैं और गायनी रोग विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और, ये स्वास्थ्य शिविर में अगर कोई भी मरीज आता है, इलाज करवाने के बाद वहाँ पे तो पूरा इलाज उसका होगा नहीं, अगर जैसे कोई गंभीर बीमारी होती है तो क्या आप अपने हॉस्पिटल में उसको वो सुविधाएं देंगे? देखिए, स्वास्थ्य शिविर में हम उनको परामर्श कर दे सकते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर होगा। अगर कुछ दवाइयां जो हैं, जो इमीडिएट उन्हें ज़रूरत होगी, लगभग 300 रुपये तक की दवाइयां हम उन्हें वहीं पे प्रदान करेंगे। उसके अलावा उन्हें हम गाइड करेंगे कि उन्हें और आगे क्या करना चाहिए। अगर वो उस कैंप के माध्यम से हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, उन्हें मैक्सिमम डिस्काउंट देंगे हम मेडिसिन में, जाँच में, जो डॉक्टर हैं उनकी फ़ी में, तो इस तरह से उन्हें काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और बेहतर इलाज की सुविधा उन्हें मिल सकेगी। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें।